शहर की जलापूर्ति करने वाले 340 टैंकर में से 120 को बंद करने का महत्वपूर्ण निर्णय मनपा ने लिया है। इस निर्णय से मनपा की जलापूर्ति पर खर्च होने वाली लाखों की बचत होगी। साथ ही मार्च अंत तक हुडकेश्वर नरसाड़ा क्षेत्र के भी टैंकर मुक्त होंगे। इस निर्णय से मनपा की जलापूर्ति पर खर्च होने वाले लाखों की बचत होगी। शहर में पाइपलाइन नेटवर्क नहीं होने वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति करने के लिए टैंकर्स की व्यवस्था की गई है। मनपा द्वारा फिलहाल 346 टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही थी। इन टैंकरों पर हर साल 28 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 120 टैंकर बंद किए जाने से हर साल लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए की बचत होगी। शहर को टैंकर मुक्त करने की दिशा में मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे की इस पहल को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 120 टैंकर बंद करने के बाद जल्द ही और 100 टैंकरों को बंद करने की तैयारी है। नागपुर सुधार प्रणा द्वारा वांजरा में बनाई गई पानी की टंकी चार्ज होने पर कामठी मार्ग पर उपलवाड़ी, शिवनगर, धम्मदीप नगर, डायमंड नगर, हस्तिनापुर, बंधु सोसाइटी, भीमवाड़ी आदि क्षेत्रों में नागरिकों को नल कनेक्शन देने पर क्षेत्र में टैंकर की 60 से 70 फेरियां कम होगी। इसके अलावा नागपुर सुधार प्रणा द्वारा नारा व कलमना क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। आगामी 2 महीने में दोनों क्षेत्रों में टंकी मनपा को हस्तांतरित होना अपेक्षित है। शहर में जलापूर्ति करने वाले 346 टैंकर में से 120 टैंकर बंद करने का काम अब नागपुर महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा है, जिससे अब जलापूर्ति में जो लाखों रुपए जो खर्च होते थे अब उसकी बचत होना तय है। वंजारी नगर पानी के टंकी से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।